राम राम भाइयों, कई भैया के कमेंट आए थे, उन कमेंट की रिक्वायरमेंट पर यह वीडियो बनाई गई है। कई भैया ने कमेंट कर दिए, अब भैया मैदा किस तरह लगावा, कई भैया ने कह दी जलेबी किस तरह डुबोवा, कई भैया ने कह दी अक्सोडा किस टाइम लगेगा, कितना लगेगा और किस डाल लगेगा, और कई भैया ने कह दी जलेबी बनावा क्यों करे, मैदा घोला किस तरह। भाई आन में सारी बात देख कर एक यह कंप्लीट वीडियो बनाई है, 7-8 मिनट की वीडियो होगी, जो भी ये छोटी सी है भाई, इस वीडियो ने कंप्लीट देख ले होगे ना, तो वीडियो में अच्छी तरह मैंने एक एक विधि एक एक ढंग मैंने दामा बताया गया है भाई। अब हम मैदा किस तरह लगावांगे और जलेबी किस तरह डबवांगे, किस तरह बनावांगे, एक एक विधि कति बारीकी तक बताई गई है भाई। फिर भी यदि यह रह जाए थोड़ी बहुत वीडियो, फिर भी आप कमेंट करके बता दियो भाई, या मिस्टेक रहेगी मारे दो रहे और मारा समझ ना आंदी, तो भी मैं कोशिश करके थमने फिर एक बार और बताने की कोशिश करूंगा। यह छोटा सा कोई यूनिक सा सवाल होगा आपका तो मैं कॉमेंट में भी बता दूंगा, और इस वीडियो ने बिना टाइम गवाए आगे चल के देखा किसी को बन रही है और आपका भी समझ आ जाएगी भाई। और भाई हरियाणवी बना दी कौन है, कई भैया की रिक्वायरमेंट थी एक भाई हरियाणवी बनाया करे, और भाई छोटी मोटी गलती हो जाए ना छोटा भाई समझ कर माफ भी कर दियो, क्योंकि भाई मैंने हरियाणवी नहीं आंदी, और भाई थारी रिक्वेस्ट था मैं हरियाणवी बोली बनाऊ सो भाई, धीरे धीरे सीख जावांगे और चलो भाई आगे बढ़ाएंगे। चलो भाई यह वीडियो जलेबी बनाने तक लेकर, जलेबी काटने तक लेकर, मैदा घोलने तक लेकर सारी कंप्लीट वीडियो बनाई से भाई, अंत तक जरूर देखना था मैंने, क्योंकि यदि थोड़ा समझ आएगी भाई जलेबी किस तरह बनाएंगे हैं। ई बापा चाल कर मैदा घोलेंगे, हमें नहीं गर्म पानी ले लिया थोड़ा सा, इस गर्म पानी में हम थोड़ी सी मैदा गिराएंगे, जो कि हमारे द्वारा या 1-10 किलो मैदा से हमने 4-5 किलो मैदा रख ली, और बाकी हमने इस पानी में गेर दी, इसमें थोड़ा सा हमने रंग काट डाल लिया, जो कि एक ढक्कन इसका भीतर भर कर घेरेंगे, एक ढक्कन घेर लिया हमने, और एक ढक्कन हमें इसका भीतर सोडा की घेर लेवांगे, थोड़ा कम था भाई थोड़ा और घेर दे, थोड़ा और घेर दिया हमने, दो ढक्कन हमने सोडा का घेर दिया, एक ढक्कन सोडा का घेर दिया भाई, और रंग काट घेर दिया, और पाइया का हमने रिफाइंड भी घेर लिया इसमें, कि है रिफाइंड तो थोड़ी खस्ता जलेबी हो जावा है और बढ़िया लगा भाई, रिफाइंड नहीं तो अपना देसी घी भी घेर ले, इसने सूनी डाल घोल लेवांगे, जो कि हमें ना गर्म पानी ले आया उस गर्म पानी में घोलने लग रहे हैं वे, और बढ़िया घोल का इसने, और भाई साइड में जो गांठ सी गांठ रह जाए उन साइड में रगड़ रगड़ कर रगड़ रगड़ कर, और भाई बढ़िया सी मैदा बनावांगे इसने, देख एकदम चलन डाल होगी है यह मैदा ही। हाँ और भाई देखिए पापा ने इस डाल घोल लेना, इससे पापा थोड़ा पानी का छिट्टा सा मार के छोड़ देवा, वो बेरा क्यों मारेंगे, वो भाई जो इसके ऊपर पापड़ी सी आ जाए ना वो पापड़ी कौन आंदी, इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी का छिट्टा मार देवांगे, ताकि इसके ऊपर कोई पापड़ी पुपड़ी नहीं आवेगी, अरे इस पा हमें ना देख सुनी डाल इंतजाम करना सा भाई, देख ये वा मैंने यो देख पानी चोकर तू फैला दियो, ये फैला कर इसके ऊपर हमें थोड़ी थोड़ी मदद लगा दी चोकर देना, ताकि हम इसके ऊपर ही अखबार गिराएंगे, अखबार गिराएंगे तो के सही इसके भीतर की जो भाप होगी ना, भाप तो बनकर या मदा उठ जाएगी, और जो भी है आप तोड़ी ताड़ी में या क्या है मैं दबावा तो लिकड़े तो भाई बाहर भी ना लिकड़े और इसका ठंड ना लग गए, जहाँ तक हम इस पर अखबार लगावा। हाँ हमने इस पर अखबार लगा दिया, अखबार हमने एक और अखबार घेरना भाई, थोड़ी जगह रहेगी ना इस पर, एक अखबार और घेर देवांगे घेर कर, अरे भाई ईब देखिए अब मैं ढक्कन इसके ऊपर घेरेंगे, कि है अपन नीचे तो मदद लगाई फिर अखबार घेर दिए, ईब आप ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगाने के बाद में भाई इसके ऊपर एक लुगड़ी बांध देवांगे सूनी डालता है, ईब इसने दोरा करके सूनी डाल बांध देंगे भाई, आप ईब इसने जो गब्बा पलड़े लत्ता तूड़ी या क्या है कभी भीतर दबावेंगे ना, इसमें भाप नहीं लिकड़नी चाहिए, और भाई गर्मा जब देखा पा छोटा बालक ने किस सूनी डाल लगो के दरा कराया लको के गब हम रखा कराना, इसे डाल इसने लको के धर देवांगे मर्दा ने भी भाई, या देखा मैंने एक यो पल्ली है भाई अन की बोरिया की, इसका भीतर सूनी डाल लको के इसने धरेंगे, अरे का दिवाई सोड़ साड़ और मिलेगी तो वह भी घेर देवांगे, ताकि हम इन तर कहीं उठी पावा, अगला दिन फिर देख ले भाई, ये वामिन यह मद्दा सन तैयार कर ली, अभी इसमें भाई थोड़ी ठंड का टाइम था, उठी तो कम से थोड़ी सी उठ तो रही है, फिर भी हमें जो थोड़ी मद्दा बच रही थी वह मिला ली से, और भाई जो शुरू में अपन मद्दा घोल की तैयार करी थी ना उसकी हाथ की हाथ भी जलेबी बना सका है,
ईवा मैंने थोड़ा सा रंग काटर थोड़ा सा सोडा और ले लिया इसमें लेकर गर्म पानी तय सूई डाल गोल ली सा या मद्दा गोल का देखी चलन डाल होगी तो हम ही चाशनी की तैयारी कर रहे सा। चाशनी भाई हमने बना ली से इसमें क्या करे है कईया के कमेंट आए थे भाई चाशनी में कितनी चीनी गेरो कितना पानी गेरो हो। हमने 3 किलो चीनी गेर ली तो 1 किलो पानी पड़ेगा भाई और इसे डाल था हमें अभी गेरना सा। 3 किलो चीनी गेरोगा तो 1 किलो पानी गेर लियो भाई और नू करके चाशनी बना लियो। और हमने दूध दाद गेरा को ना भाई चीनी साफ सुथरी थी इसे डाल था हमें अभी करना है बना लिया हमने। और ऊपर की पापड़ी तार दी थी भी वो कलर गोला था वो इसमें घेर दिया कलर गोला था। ये हम देखेंगे भाई जलेबी बनाने की शुरुआत है। हमें ना जलेबी की चाहनी भी तैयार कर ली और जलेबी का जो कपड़ा था उसमें हमें ना जो मद्दा हमें गोल रखी थी वह इसका भीतर गाल लिया हमें ना। ये हम बना के देखेंगे जलेबी में शुरू में बना के दिखावा हमें किए कमी से। ये हमें एक कपड़ा छोड़ कर देखा है छोटा सा इसमें हमें न सेका कम लग गया है जलेबी फुल्ली को ना ना फुल्ली तो हमें न सेका कम लग गया था। दूसरा गांड फिर छोड़ कर देखा है सेका तेज करके जो कि मेरा मकसद है थरते ही सिकाने का मसूनी डाल सिका दे। ये दूसरा कपड़ा मामी ने मद्दा जो अब सूनी डाल फूल लग रही है जो सेका था ना वो तेज कर लिया और साइड में देख जलेबी का दौरा दौरा जो फफूंदी सी दिखाने लग रही है ना थामी ने इससे थामनू देख लियो भाई सोडा की मात्रा पूरी से है जलेबी भाई सूनी डाल बन लग रही है। फिर भी यदि थारी जलेबी ना फूलने लग रही है तो इसमें सोडा और घेर लियो भाई सेका करने के बाद में भी ना फूल है तो सोडा घेरना तो जलेबी फूल जाएंगी। और भाई साइड में देख एक दो जलेबी पिचकी पिचकी लगन लग रही है ना और बीच में फूली फूली लग गया सही सूनी डाल है इसे डाल था मैंने क्या करना भाई बीच में साइड में सेक्का की कमी से तारे है तो सेक्का और बढ़ा के सोने डाला एडजस्ट कर लियो भाई। यह हमारे द्वारा बड़ी परात थी मैं राजस्थान में बाहर जा रहा था उड़े वीडियो शूट करी गई थी। और ये भाई आपा चाशनी के भीतर जलेबी डबन लग रहे सा जलेबी भिज्जा नहीं है तो के कमी से तो चाशनी ताती होगी हमारी। इसमें थोड़ा सा पानी और घेर कर इसने एडजस्ट कर देवांगे थोड़ा पानी गिर के भैया थोड़ी देर हला के इसने ठंडी कर लेवांगे ठंडी करना तय जलेबी डूबन लग जाएंगी। और भाई जलेबी के ऊपर का खांड चिपकन लग जाए तो के कमी से जलेबी यानी कि ठंडी ज़्यादा हो जाए चाहनी। हमने इस कढ़ाई के नीचे दो तीन दो ईंट लगा रखी है हम इसका नीचे चूल्हा बाड़ के चाहनी ना ताती भी कर लेवांगे ठंडी होती दिखने लग जाएगी तो घंटा आधा घंटा पाचे ईब जलेबी बनने लग रही है भाई। ईब कोई दिक्कत ना से सोनी डाल बना से भाई इसे डाल थम बना के देख लियो फिर भी कोई कमी लग गया तो एक बार कमेंट कर दियो थारा भाई थारे खातर हाजिर से। फिर एक और मिलांगे नई वीडियो के साथ तब तक धन्यवाद भाइयों। हमारे चैनल पर नए हो तो इसे ना सब्सक्राइब कर लियो भाइयों मैं इसी इसी वीडियो थारे खातर लाता रहता हूँ भाई। आज के लिए धन्यवाद भाई।